अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? होपफुली सब ठीक होंगे जी। आज का जो हमारा लुक है वो है ब्लू स्मोकी लुक, ग्लिटरी लुक है इसके साथ साथ, और पार्टी भी है, इसके अलावा ब्राइडल लुक भी है। तो वीडियो को आप लोगों ने पूरा वॉच करना है, एंड तक देखना है, इसकी बिल्कुल भी नहीं करना, ताकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों से कम्प्लीटली जो है शेयर कर सकूँ। तो चलिए जी, टाइम को वेस्ट किए बिना चलते हैं हम लोग अपनी वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल जी, लेंस भी हमारे अप्लाई चुके हैं और आई बेस भी हमने ऑलमोस्ट सेट कर ली है। उसके बाद जी लिया है मैंने मीडियम ब्राउन शेड है, इसको मैं अप्लाई करूंगी अपनी क्रीज लाइन पे। अच्छी तरह से हमने इसकी एप्लीकेशन कर लेनी है विद द हेल्प ऑफ ब्रश, और इसका ये होगा कि हमने इसकी ब्लेंडिंग जितने अच्छे से करेंगे उतना ही हमारा लुक नीट एंड स्मूथ आएगा। सेकेंड आई पे भी हम इसी तरह से अपनी जो है ब्लेंडिंग कर लेंगे, क्रीज लाइन को कंट्रोल कर लेंगे शेड के साथ, अच्छी तरह से ज़्यादा डार्क नहीं करना। स्मोकी आई में जो है हम शेड्स को स्टेप बाय स्टेप डार्क की तरफ लेकर जाते हैं, पहले लाइट शेड अप्लाई करते हैं, उसके बाद डार्क करते हैं, उसके बाद अगेन मज़ीद डार्क करते हैं। उसके बाद जी मैंने अप्लाई किया है ब्लैक आई शेड इस तरह से क्रीज लाइन के नीचे, उसके बाद इसकी अच्छी तरह से हमने ब्लेंडिंग कर लेनी है, जो कि आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ब्लेंडिंग आप लोगों ने बहुत ही जो है ध्यान से और बहुत ही तसल्ली से करनी है। इसके बाद जी ब्लू आई शेडो लिया है, शिमरी आई शेडो है, इसको मैं विद हेल्प ऑफ ब्रश अप्लाई करूँगी। आप लोग विद हेल्प ऑफ फिंगर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये जो शेड है ब्रश की हेल्प से भी अच्छे से अप्लाई हो रही है, तो इसलिए मैंने इसको इस तरह से एप्लीकेशन कर ली है। उसके बाद जी हमने सेकंड आई पे भी सेम इसी तरह से बहुत ही नीटली और बहुत ही स्मूथली इसकी जो है एप्लीकेशन कर लेनी है। साथ साथ ही हमने जो ब्लैक शेड अप्लाई किया हुआ है उसके साथ साथ इसको थोड़ा सा हमने मर्ज करते जाना है। वाटर लाइन पे ब्लैक पेंसिल अप्लाई करेंगे, आप लोग न्यूड शेड भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों की आईज छोटी हैं, अगर नॉर्मल हैं तो भी आप लोगों की ब्लैक पेंसिल जो है यूज़ हो जाएगी। इसके अलावा आप लोगों की चॉइस पर डिपेंड करता है आप लोगों को कैसी आईज चाहिए, लेकिन स्मोकी में तो यही होता है कि तकरीबन ब्लैक ही यूज़ होती है। लोअर लाइन पर भी हमने जी अच्छी तरह से ब्लैक आई शेडों का जो है अप्लाई कर लिया है इसको सेकेंड आई पे भी, और जो इनर कॉर्नर है हमारे यहाँ पर हम ब्लू आई शेडो अप्लाई करेंगे इस तरह से। इनर साइड्स जो है वो हम इनर कॉर्नर्स जो है ब्लू रखेंगे। उसके बाद जी जो हमने नेक्स्ट हाइलाइटर लेना है, बहुत ही लाइट पिंक सा शेड है, बहुत ही लाइट पिंक सा और शिमरी बहुत खूबसूरत शेड है। इसकी हेल्प से हम ब्रो बोन को थोड़ा सा हाइलाइट कर लेंगे इस तरह से, और बहुत ही स्मूथली इसकी हमने एप्लीकेशन करनी है। सेकंड आई पे भी जी हम ब्रो बोन को इसी तरह से हाईलाइट करेंगे। जब आप लोगों का हाईलाइटर ज़्यादा शिमरी होता है तो आप लोग इनर साइड पे एंड की तरफ ना लेके जाया करें, जस्ट आप लोग ब्रो बोन तक ही रखा करें। इनर कॉर्नर में भी जी हमने इसी की एप्लीकेशन कर लेनी है इस तरह से, बहुत ही अच्छे से। सेकंड आई पे भी जी हम इसकी एप्लीकेशन कर लेंगे। उसके बाद हमने लिया है जी ग्लिटर, चंकी ग्लिटर है विद हेल्प ऑफ फिंगर, कुछ चंक्स इसके हम अप्लाई कर लेंगे अपनी आईज पे, सेंटर में आई बॉल की रेंज में, पूरी आई शेडो पे हमने इसको फैलाना नहीं। उसके बाद जी जो लूज पाउडर हमने अप्लाई किया हुआ था उसको हम डस्ट आउट कर लेंगे विद हेल्प ऑफ ब्रश, ताकि हमारा लुक नीट हो जाए। आफ्टर दैट जी हमने आई लाइनर अप्लाई करना है, जो कि बहुत ही स्ट्रेट हमने अप्लाई करना है, कोई भी इसकी जो है हमने विंग शेप में एप्लीकेशन नहीं करनी है। इस तरह से हमने जी अप्लाई कर लिया। उसके बाद मस्कारा करना है हमने लैशेस को इस तरह से बहुत ही नीटली, और लोअर लैशेस को भी जी हमने मस्कारा कर लेना है। उसके बाद जी हमने क्या करना है कि लैशेस को करना है अप्लाई, जो कि हमारी आर्टिफिशियल लैशेस हैं। तो ये हो गया हमारा फाइनल लुक। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है आप लोगों को ये लुक कैसा लगा, और इसको ट्राई करना आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं भूलना। लिपस्टिक के कॉम्बिनेशन की हम बात करें तो आप लोग अगर इसके साथ पिंक में, शॉकिंग पिंक में, डीप पिंक में इस तरह के शेड्स अप्लाई करें पिंकिश में, तो बहुत ही खूबसूरत आप लोगों का लुक आएगा। और जो जी चैनल पर न्यू है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना न्यू एंड ट्रेंडी अपडेट्स के लिए, न्यू लुक्स के लिए। इसके साथ साथ जी मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।